हरे राधा बिनद बिहारी जय। जय जाचारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 गौर ब्रह्मानंदे हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरामदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णत्करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितिल्ला प्रविष्णु विष्णु पादष्टोत्तर सतय श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितिलीला प्रविष्णु विष्णु पादष्टोत्तर सतय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री शंकर जी को साथ में सती की शादी हो गई, पार्वती की शादी हो गई। शादी के बाद में जब शंकर पार्वती एक कठे बैठे तब माता पार्वती शंकर जी को उन्होंने प्रश्न किया, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानी असत्य मो निज दासी, जानी असत्य मो निज दासी, तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। इसलिए माता पार्वती ने शंकर जी को प्रश्न करते बोले, हे प्रभु, हे सुख के राशि, अगर आप मेरे ऊपर में प्रसन्न हो, जानियो सत्य मोही निज दासी, अगर आप मेरे को आप अपना निज दासी मानते हो, क्या करो, तो प्रभु हर मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विज्ञाना। तो भगवान राम की विभिन्न कथाओं को सुना करके मेरे अंदर में जो अज्ञान है और अज्ञान को आप हरण करो, अज्ञान को आप हरण करो। बोले जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरो नाथ मम मति भ्रम भारी।
पिछले कह रहे जो शंकर जी हैं, कहते शंकर जी कहते इनकी जो हैं, कहते इनका जितने शरीर में जितने सारे श्रृंगार है सबके सब सारे श्रृंगार क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। कहते आप तो कृपा करके सत्यम शिवम सुंदरम जो कुछ आप धारण किए हो सबके सब भगवान को, ये सबके सब लक्ष्य करता है, सबके सब ठाकुर जी को ही लक्ष्य करता है, हैं? इसलिए सर पर पतित भवन गंगा है, अलंकार रूप में श्री अनंत देव अपना गुरु जी को ही श्रृंगार रूप में धारण करके रखे हैं, हैं? और शरीर में कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाते हैं, स्मशान की बहुत लगाते हैं, संसार को संसार का अनित्यता को हमें समझाते हैं, हैं? जिस शरीर को इतने ब्यूटी पार्लर में ले जाकर के सजाते हो एक दिन दो मुट्ठी राग होने वाले। इसलिए अगर प्यार करना तो किसको करो, जितना समय शरीर को लगाते हो उतना समय भगवान को चरण में लगाओ, हैं? जितना समय अपना शरीर को श्रृंगार में लगाते हैं, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं जैसे अपना शरीर को बहुत अच्छे तरह सजाओ और शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, अगर शरीर को सजा दिया परछाई अपने आप सज जाती। मतलब है कि तो मूल स्वरूप कौन है, बोले ठाकुर जगन्नाथ जी भगवान है। जब तुम भगवान को सुंदर से सजाओगे, अच्छे तरह से ठाकुर को सजाओगे, हैं, ठाकुर को सेंट लगाओगे, ठाकुर को फूलों की माला पहनाओगे, ठाकुर को चंदन लगाओगे, खुशबू तो अपने आप शरीर में लग जाएगी, अपने आप लग जाएगी शरीर में। ठाकुर को सजाओ अपने आप तुम सज जाओगे। अगर ठाकुर को सजा नहीं रहे हो, हैं, दिन रात अपना शरीर को सजाने में अगर लगे हुए हो, हैं, एक दिन तो शरीर क्या होगा, स्मशान की राख बनने वाले हैं। इसलिए माता पार्वती कहती है, बोले हे प्रभु, हैं, इसलिए आप तो सत्यम शिवम सुंदरम आप हो। कहते तो अपनी राम राम दीन राते तो पोनी फुन राम राम दीन राते सादर जपहु अनंगरती रामो स्वाबध विपति सूत सोई आज आगोना अलख गति कोई। इसलिए शंकर जी करते हैं क्या, बोले तुम पुनी राम राम दिन राती सादर जब अनंग आरती। शंकर जी हर समय क्या करते हैं, भगवान राम का नाम जप करते हैं, पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, पंचमुख में हर समय भगवान की राम का नाम जप करते हैं, हैं? इसलिए जो हर समय अब जो राम का नाम हर समय मुंह में जप करते हो, हैं? कहते जो अयोध्या पुत्र है, जो अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई राम है, अब जो राम नाम जप करते हो क्या वही राम है जिसको शास्त्र में क्या कहते हैं, अजन्मा, जिनको शास्त्र में निर्गुण बताए, जिनको कहते हैं अगोचर है, यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचम, ब्रह्मा भी जिनकी चरण की नख को छटा को ध्यान नहीं लगा पाते हैं, हैं? ब्रह्मा सम्भो अमरपति गणेशार्चित पद, जिनका चरण कमल शंकर और श्री गणेश जी, अमरपति मतलब इंद्र और माँ लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करते हैं, हैं? आप जिन राम नाम जप करते क्या राम है, वही राम है। इसलिए जो नृप तनय वो ब्रह्म विरह मति भोरी देखी चरित महिमा सुनत ब्रह्म। इसलिए कहते हैं प्रभु, वो जो राम है, जो अयोध्या में जो जन्म लिए जो राम है, हैं? जो नृप तनय है, दशरथ महाराज का जो बेटा है, क्या वही ब्रह्म है, वही अगो निर्गुण निरंजन क्या वही ब्रह्म है, हैं? इसलिए इसलिए मेरे जो मति है, कहते मेरा मति तो भ्रमित हो रहा है, अगर वो भगवान होते तो पर साधारण सीता की विरह में इतने क्यों रो रहे थे, हैं? इतने क्यों रो रहे थे, क्या उनको पता नहीं था
रावण ने सीता को उठा करके ले गया, वो भी जो सीता वो भी नकली सीता, वो भी असली सीता नहीं। इसलिए जो अनिया व्यापक विभु कोई कहो बुझाओ नाथ मय सोई। इसलिए अन्न जानी रीस उन जानी धरहु जही विधि मोहि मिटे सोई करहु। इसलिए हे प्रभु हे अनाथ मैं है, इसलिए आप क्रोध को छोड़ करके मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं समझने वाली नहीं हूँ, अज्ञानी में मूढ़ हूँ, इसलिए आप कृपा करें क्रोध मत करो, बिना क्रोध के ये सारे बात हमें बताओ। इसलिए पार्वती कहती हैं, यद्यपि जो सीता नाही अधिकारी, यद्यपि जो सीता नाही अधिकारी, दासी मना क्रम वचन तुम्हारी, बूढ़ो तो नसा दुरावही, आरत अधिकारी जा पावही। इसलिए यहाँ पार्वती कहती हैं, कहते मैं कौन हूँ यद्यपि जो सीता, जो सीता मतलब स्त्री है। इसलिए शास्त्र में बताया ना, क्या बताया शास्त्र में, वैश्य शूद्र तथा स्त्री अपि जानती पराम गति, क्या श्लोक है, अरे श्लोक क्या बोलो, स्त्री अपि जानती पराम गति। इसलिए यहाँ पर हाँ जय अपि हाँ महा पार्थव व्यापाश्रित जय अपि शिव पाप जनय, स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र स्त्री अपि जानती पराम गति। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, ये स्त्री जन्म को पाप जन्म बताया, क्यों, ये अपवित्र रहती हैं, ये लोग अपवित्र रहती हैं। इसलिए कहते स्त्रीय वैश्य और तथा शूद्र, जो शूद्र होने पर भी स्ते अपि जानती पराम गति है। इसलिए क्या पहला क्या माँ ही पार्थ व्यापाश्रित, यहाँ पर कृष्ण कहते हैं अर्जुन अगर कोई व्यक्ति स्त्री जाति हो, शूद्र जाति हो, वैश्य जाति हो, अगर मेरे चरण को वो आश्रय ग्रहण करते हैं, हैं? आश्रय ग्रहण करते हैं, लेकिन वो लोग भी परागतियों को प्राप्त करते हैं, हैं? प्राप्त करते हैं। इसलिए इसलिए पार्वती यहाँ कर यद्यपि जोशीता नाही अधिकारी, यद्यपि मैं स्त्री हूँ, स्त्रियों का अधिकार है नहीं, स्त्रियों का अधिकार है नहीं, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गुढ़ाओ तत्व न साधु दुरावही, आगत अधिकारी जहां पावही। इसलिए अगर कोई अधिकारी हो है, लेकिन अगर स्त्रियां भी शूद्र लोग भी अगर भगवत चरणों को आश्रय ग्रहण करते हैं, कहते स्ते अभिजानती पराम गति, वे लोग भी परागतियों को प्राप्त करते हैं, है? इसलिए भगवान की भक्ति में सभी का अधिकार है। भगवान भक्ति में अगर किसके अंदर में श्रद्धा भक्ति है, वो भी भगवत भक्ति में अधिकारी है, भगवत भजन वो कर सकते हैं, किसी कुल में जन्म क्यों नहीं हो। हमारे संप्रदाय में देखो स्त्रियां कौन कौन थी, बोले श्री गंगा माता गोस्वामी ने, है नाम सुने कि नहीं, गंगा माता गोस्वामी ने, हमारे श्री कहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य वहीं पर रहती थी, उनकी इतने भक्ति करने वाली थी, इतने भक्ति करने वाली थी, हैं? अभी उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था क्षेत्र सन्यासी, क्षेत्र सन्यासी मतलब मैं और जगन्नाथपुरी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्षेत्र में ही रहूंगी। लेकिन बड़ी सुंदर कथा करती थी, जिंदगी में उनने शादी नहीं की, जगन्नाथ कृष्ण को ही जीवन का अपना पति उसने माना, और इतने सुंदर कथा करती थी, राजा भी जिनको पास में कथा सुनने के लिए आया करते थे। एक दिन दशहरा आई, जिस दिन गंगा प्रकट हुई, सब लोग गंगा में नहाने जा रहे हैं, अब इसकी मन में भी इच्छा हुई मैं भी गंगा स्नान करने के लिए जाऊं, सब दुनिया जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया, मतलब क्षेत्र छोड़कर बाहर कभी मैं जाऊंगी नहीं। लेकिन कितना गंगा र पर सहले पश्चाते पवन दर्शने पवित्र कर
ही तो मार्गो ना। इसलिए भगवत दीता भागवता तीर्थ भूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्बन्ते तीर्थानि सांदस्तेन गदावृतम्। इसलिए हर समय कहते भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान को अपना हृदय में हर समय धारण करते हैं। इसलिए धारण करने का वजह से कहते हैं भक्तों को तीर्थ करने का कोई जरूरत नहीं है, तीर्थ करने का कोई जरूरत नहीं। पर भक्त लोग तीर्थ में क्यों जाते हैं, बोले तीर्थ कुर्बन्ती तीर्थानि। जो पापी लोग आकर के गंगा में स्नान करते हैं वह हर पाप को छोड़ करके चले जाते हैं, पाप अपवित्र हो जाती हैं। लेकिन जब कोई वैष्णव जा करके स्नान करे उनका चरण स्पर्श हो, भक्त लोग क्या करते तीर्थ को पूर्ण तीर्थ तो प्रदान करते, सारे पाप को ग्रहण कर लेते। अभी इनके मन में इच्छा है मैं गंगा स्नान करने के लिए जाऊं। अभी जगन्नाथ जी सोच रहे हैं भैया गंगा तो भगवान की चरण से निकली और भगवान तो तुम्हारे हृदय में बैठे। ठाकुर जी वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, वैष्णव का हृदय में गोविंद का निवास है। इसलिए तुम्हें गंगा स्नान करने का जरूरत नहीं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते ना नित्य निरंतर भगवत कथा रस में डूबे हुए रहते हैं, वो भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं, हैं? इसलिए लेकिन क्या हुआ, जगन्नाथ जी ने देखा मेरे भक्तों की इच्छा क्या है गंगा में स्नान करना, इतने में गंगा स्वयं जगन्नाथ जी के चरण से प्रकट हुई। प्रकट होकर के गंगा बहते बहते वो स्वत गंगा जहां पर है ना वहीं पर आ गई और उन्होंने देखा रात को कितने लोग हुलु ध्वनि दे रहे हैं, शंख ध्वनि, और सबके सब निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वहां पर खूब हुलु ध्वनि हो रही है, शंख बज रहा है, कीर्तन हो रहा है, लाख लाख श्लोक क्या कर रहे थे गंगा में नहा रहे। बोला अरे गंगा यह प्रकट कैसे हो गई, वो गंगा माता गोस्वामी में जाकर वो भी गंगा में स्नान की, स्नान करते करते पता नहीं चली गई जगन्नाथ के चरण में। इतने में जो पंडा लोगों ने देखा भैया रात को हयोल्ला की आवाज कहाँ से आ रही, हम तो मंदिर को बंद कर दिया, इतने लोग की आवाज कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने बुलाया सब पंडाओं को, बुला करके दरवाजा खोल कर देखा ना वहां कोई नहीं, जगन्नाथ जी के चरण में वो गंगा माता गोस्वामी ने सची देवी है उनके चरण में। बोले अरे ये तो बड़ा भक्त बनती है, राजा इसको पास में कथा सुनने के लिए आते, सारा दुनिया इसको जानते हैं, जगन्नाथ जी परम भक्त हैं भगवान की। और देखो रात को छुप करके ठाकुर जी को गहना को चोरी करने के लिए रात को उसने छुप गई थी, राजा को पता चला तो इसको जेल में बंद कर दो। अभी जेल में बंद कर दिया, अभी जगन्नाथ जी ने देखा मेरे भक्तों को तो जेल में बंद कर दिया। फिर जगन्नाथ जी स्वप्न दिया, बोले महाराज वो परम भक्त है, उसकी मन में इच्छा हुई गंगा में स्नान करने का, गंगा मेरे चरण से निकली, गंगा तो मेरी दासी है ना, चरण से निकली, जब उसने स्नान करने के लिए आई सब लीला हुई, ये मेरी इच्छा, आप इसको छोड़ दो, आप इसका शिष्य बनो, इनके चरण में तुम्हारी अपराध हो गया, आज शिष्य बनो और इनको खाने के लिए व्यवस्था करो। राजा भागते भागते गए, दरवाजा खोले, माफी मांगे, उनसे हरिनाम दीक्षा मंत्र ग्रहण की और उन्होंने उनको नित्य जगन्नाथ जी की जो महाप्रसाद का व्यवस्था है, हाँ एक आटिका, आटिका जानते हो कि नहीं, हाँ एक हाँ आटिका दाल सब्जी उनको है, अन्न की व्यवस्था, अभी भी वो प्रसाद, अभी भी वो सार्वभौम भट्टाचार्य गंगा माता मंदिर में अभी भी वो प्रसाद आता है, हाँ ये राजा ने उनके लिए नियुक्त किया है। इसलिए कहते स्त्री जाति में भी मीरा है, मीरा भक्त है, अब महाप्रभु के हैं, महाप्रभु के कितने सारे भक्त भी स्त्रियां हैं, अद्वैताचार्य जी का पत्नी है जानवा देवी और गोपियां जैसे भक्त कौन हो सकता है। जगत में सबसे चूड़ामणि भक्त कौन है, श्री ब्रज गोपी, उद्धव जैसे भक्त, उद्धव कौन है बोले भक्त में सर्वश्रेष्ठ है। कहते प्रेमाधुर भक्त उद्धव जी, प्रेमा दुर्भक्त, उनसे और बड़े भक्त जगत में कोई, भक्तों का अंतिम छोर है, उनको ऊपर में और कोई भक्त है ही नहीं। लेकिन ऐसे भक्त भी क्या चाहते हैं, गोपियों के चरण की धूल चाहते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्री नांग पाद रेणो अभिष्णक्स, गोपियों की चरण की राधा रानी की चरण की एक धूल को वंदना करते हैं। इसलिए यहाँ पार्वती कहती हैं यद्यपि जो जोशिता नाही अधिकारी, यद्यपि मैं स्त्री हूँ, यद्यपि मैं स्त्री हूँ, मेरी कथा में अधिकार नहीं, व्यक्ति में अधिकार नहीं, लेकिन
है दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, लेकिन मैं अपना काहे मन वचन से आपकी मैं दासी हूँ। इसलिए गुढ़ तत्व न साधु दुरावही, अगर अधिकारी जही पावही, अगर कोई अधिकारी व्यक्ति मिले है ना, साधु लोग क्या करते हैं अपना जो गुढ़ तत्व को वहां पर गुढ़ से गुढ़ तत्व को, गोपनीय से गोपनीय तत्व को वहां भी बोल देते हैं, हैं? फिर वो देखते नहीं ये स्त्री ना और कौन है। इसलिए भगवान सबरी, सबरी स्त्री जाती थी ना, उसकी वजह से जितने ब्राह्मण थे ना वहां पर सब भाग गए। बोले अगर आप उसको कथा सुनाओगे आश्रम में प्रवेश करेंगे आप कोई नहीं रहेंगे जितने ब्राह्मण थे। बोले भले ही तुम सबके सब चले जाओगे ना, अकेले में कथा सुनाओगे उसको। और एक दिन ठाकुर जी भगवान स्वयं राम अपना भैया को साथ में आए और ठाकुर को अपना झूठा फेर खिलाए। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इसलिए प्रेम के बस उन्होंने क्या किया, सबरी के झूठा खाई, भूल गए ठाकुर आई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए पार्वती कहती हैं अगर कोई श्रद्धा हो, मैन क्या है, मैन क्या है, श्रद्धा भक्ति है भगवान, केवल भक्ति को प्रेम को ही भगवान केवल प्रेम के ही बस हैं। इसलिए प्रभु अगर आप मेरे को अधिकारी मानते हो, आप कृपा करके हमें भगवान राम की कथा सुनाओ और मेरे अंदर में जो अज्ञान है, जो अंधकार है, ये अंधकार को आप दूर कर लो। इसलिए पुनी प्रभु कहा हो राम अवतारा, पुनी प्रभु कहा हो राम अवतारा, बाल चरित पुनी कहा उदारा, बाल चरित पुनी कहाँ उदारा, कहाँ जथा जाना के बिभारी, राज तथा जो दूषण अनताहे, बना बस के ने चरित पारा, कहाँ नाथ जी मेरा बन मारा, राज बैठे के निब हो लीला, सकल कहाँ पाकर सुख सीला, सकल कहाँ साकर सुख सीला, पुनि प्रभु कहाँ राम अवतारा। जब पार्वती ने ये सब बात पार्वती ने बताई, शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोले क्यों प्रसन्न हो गए, पार्वती को उन्होंने अधिकार देखा, हृदय पवित्र देखा और उसका हृदय उन्होंने निर्मल देखा। निर्मल हृदय देख करके शंकर जी फिर भगवान की सारी कथाओं को सुनाए। बोले कौन सा कथा कथा सुनाए, बोले प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहो उतारा। कहते उनका जो सुंदर सुंदर जो बाल्य चरित्र ठाकुर जी के, बड़ी प्यारी प्यारी उनको जो बाल्य लीला है, बाल्य लीला उन्होंने सुनाए है। एक दिन कैसे भगवान एक दिन मालपुआ खा रहे थे, क्या कर रहे थे ठाकुर जी, मालपुआ खा रहे थे। इतने में काक भूषण को पता चला, अरे मैंने क्या सुना है, जो परम परम्परात पर तत्व मेरे जो प्रभु है, अभी अयोध्या में श्री दशरथ घर में आए हैं, श्री दशरथ घर में अभी पालक बन करके आए हैं और प्रभु बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। अभी इसको सुन करके अभी काक भूषणी आए प्रभु को दर्शन करने के लिए, और सचमुच से देखा भगवान राम आंगन में बैठे और मालपुआ खा रहे थे। अभी देख करके काक भूषणी ने सोचा क्या सचमुच ये मेरे प्रभु है। तब उन्होंने धीरे 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 पास में गए, जब गए भगवान राम ने मालपुआ खा रहे थे, उन्होंने मालपुआ को ऐसे बढ़ाया, जब बढ़ाया काक भूषण ने अपना चोंच में पकड़ करके छीन लिया। जब छीन लिया इतने में भगवान जो राम है ना बालक थे, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। जो रोना शुरू कर दिया अभी काक भूषण का मन में शंका आ गई, बोले ये क्या है, अगर यही परम परम्परात पर तत्व तो भगवान हो गए, मैं साधारण मालपुआ छीन लिया और मालपुआ के लिए साधारण बच्चे जैसे भगवान रो रहे,
क्या ये सचमुच से वही भगवान परात्पर तत्व है? जैसे पार्वती की सती की मोह हो गई थी ना, इनके भी ऐसे मोह हो गई है, क्या वही भगवान है? इतने में काक भुसुंडी अभी भगवान समझ गए, ये काक भुसुंडी मन में तो मेरी प्रतिशंका हो गई। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति। जिसको अंदर संशय आ गया ना, शंका आ गई, कहते वो विनाश का कारण बन जाता है, है? क्योंकि भक्ति जगत में श्रद्धा ही मेन वस्तु है। अगर श्रद्धा अगर विश्वास नहीं रहे तो फिर तो गड़बड़ी है, तो उन्होंने देखा ही तो गड़बड़ी हो गया, ये मेरे प्रति इसकी शंका हो गई। इतने में भगवान राम ने उस शंका को दूर करने के लिए उन्होंने किया कि हाथ बढ़ाया। जब हाथ बढ़ाया इतने में काक भूषण उड़ चला, जब उड़ चला काक भूषण ने देखा भगवान का जो हाथ है ना मेरे पीछा नहीं छोड़ रहा है, मेरे पीछा छोड़ नहीं रहा है, मेरे पीछे ही आ रहा है, मेरे पीछे ही आ रहा है। पीछा करते 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 ये काक भूषण विश्व ब्रह्मांड भ्रमण कर लिया सारा विश्व, लेकिन वो हाथ पीछा नहीं छोड़ा। करते 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 इतने में तो काक भूषण कितना उड़ गया, उड़ते करते बेहोश हो गया, बेहोश होकर धड़ाम कर गिरा। जब गिरा, जब उसको होश आया ना, देखा वही आंगन और भगवान बैठकर मालपुआ खा रहे, भगवान खा बैठ करके मालपुआ खा रहे भगवान। फिर तो उसका जो शंका है ना, ये शंका उसकी दूर हो गई, उसकी सारी शंका मन की दूर हो गई। इसलिए ये काक भुसुंडी कथा किसको सुना रहे हैं, किसको सुना है? क्या पार्वती को सुना रहे? ये कथा काक भुसुंडी सुना रहे हैं गरुड़ जी को। किसको सुना रहे हैं? गरुड़ जी को। क्यों सुनाया? क्योंकि ये गरुड़ जी के मन में भी शंका, गरुड़ जी के मन में भी शंका आ गई थी। बोले कब शंका हो गई? बोले जब भगवान राम को मेघनाद ने नाग पास बंधन में बांध दिया तो इतने में बोले अगर गरुड़ जी को अगर कोई ला सकते हैं वैकुंठ से, वही गरुड़ ही नाग पास बंधन को काट सकता है। हनुमान जी गए जाकर गरुड़ जी को उन्होंने बुला करके लाए कहां से, वैकुंठ से। और गरुड़ जी आए, आकर के भगवान राम लक्ष्मण को पड़े हुए देखे, देख करके अचेत होकर पड़े हुए, और काक भूषण ने उनको नाग पास बंधन को सारे काट दिया। जब काट दिया फिर भगवान राम लक्ष्मण की चेतनता हुई, चेतनता होने पर फिर काक भूषण मन ये गरुड़ जी का मन में तो शंका हो गई, बोले ये कैसे भगवान है, मैं तो भगवान का दास हूँ, सेवक हूँ, है? अरे मेरे प्रभु है जिनके नाम लेने से जीव ये भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, आज प्रभु को कैसे मेरे नाग पास बंधन कैसे बांध दिया, फिर मैंने आ करके फिर काटा तो फिर इनकी बंधन से इनको मुक्ति मिली, क्या मैं जो प्रभु का सेवक हूँ ये क्या वही ना कोई साधारण व्यक्ति है? इसकी मन में भी शंका हो गई। शंका हो गई तो ये भी बड़ा शंका में पड़ गए। शंका में पड़ कर की मन में शांति नहीं, मन में शांति नहीं, क्यों? भगवान के प्रति इनकी शंका हो गई, ठाकुर का प्रति शंका हो गई, मन में शांति नहीं, मन में अशांत। ऐसे करते 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 उन्होंने इसको दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी शंका दूर कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा भैया इसके अंदर में अभिमान है। क्या है? इसके अंदर में अभिमान है, मैं गरुड़ हूँ, हमें गरुड़ हूँ, सबसे तेज भागने वाली, और मैं भगवान का बंधन से मुक्त, बड़ा अभिमान। बोले भैया, फिर उन्होंने बोले भैया मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरे शंकर जी के पास में गए। जब शंकर जी के पास में गए, शंकर जी ने कहा भैया तुम चिड़िया 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 का वास्ता समझता है, चिड़िया चिड़िया का वास्ता समझता है, तू चिड़िया के पास में जा। बोले किसको पास में? बोले काक भुसुंडी। बोले कौआ कौन है? बोले जाति में चंडाल, जाति में चंडाल ये कौआ है। इसलिए क्योंकि इनके मन में अभिमान है ना, अभिमान है, ये अभिमान को दूर करने के लिए उन्होंने कौआ के पास में भेजा। फिर उन्होंने गए काक भुसुंडी के पास में, फिर उन्होंने जाकर सारी बात एक सुनाई। ऐसे मेरी प्रभु के प्रति शंका हो गया, मेरे को हृदय में शांति नहीं, चैन नहीं, मैं बेचैन हूँ, आप कृपा करो। फिर उन्होंने सुनाया, बोले ऐसे मेरे मन में भी शंका हो गई थी। बोले आपका मन में भी शंका हो रही थी? बोले हाँ। बोले कैसे? फिर उन्होंने सुनाया, ऐसे ऐसे प्रभु कभी मालपुआ खा रहे थे, अरे मैंने मालपुआ खाने के लिए गया तो मेरे मन में शंका हो गई। इसलिए यहाँ पर उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर बाल चरित्र कहो उदारा, और एक उनकी बाल चरित्र है। एक समय
श्री दशरथ महाराज राम को गोद में बैठा करके कभी जैसे दूध भात को दही भात कभी खाए हो? दूध भात खाए कि नहीं, दही भात खाए कि नहीं, खाए हो? हाँ, भगवान दूध भात था, दही भात खा रहे थे, खाते खाते एक और राम को, एक और लक्ष्मण को, एक और खुद खा रहे थे। जब खुद खा रहे थे, इतने में क्या हुआ, भगवान किलकारी मारते हुए हाथ में, एक हाथ में उन्होंने चावल दही दूध चावल एक हाथ में मुठ में पकड़े, पकड़ करके भगवान राम हाथ में पकड़ कर भागे, किलकर मारते हुए भागे। जैसे बच्चे होते हैं ना, गोद में खिलाते खिलाते बच्चे भाग जाते हैं बारंबार, हाथ में पकड़े और पकड़ करके उन्होंने दही भात दूध भात को उन्होंने चले गए, चले गए। इतने में क्या हुआ, रास्ता में गिरते 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 भाग गया है। इतने में कोई कहते, देखो भगवान खुद है और उन्होंने अभी तक आसक्ति छुटी नहीं, और भगवान ने क्या किया, दही भात और दूध भात को लेकर भगवान भागे है। बोले भागे क्यों, कारण है क्या? बोले कारण है कि जो काक भुसुंडी दरवाजा को बाहर बैठा हुआ। बोले क्यों बैठा हुआ? कब प्रभु का अधरामृत, कब प्रभु का अधरामृत मिले हमें, ठाकुर जी की प्रसाद मिले। काक भुसुंडी बैठा हुआ, ठाकुर जी को भक्तों का चिंता है, अनन्य चिंतित माम जे जनाह परजुपासते ते सांग नित्याभिजुक्ता नाम जोगाख्यम वहामि हम। भगवान की प्रतिज्ञा है, जो अनन्य रूप में उनकी भजन करते हैं भगवान उनकी जोगाख्यम, मतलब जो चीज नहीं सर पर ढो करके पहुंचाते और जो चीज है भगवान क्या करते हैं, उसको रक्षा करते हैं। इसलिए किसकी चिंता, काक भोसड़ी की चिंता। इसलिए ठाकुर जी जब गए, इतने में जो रास्ता में किनका चावल किनका पड़ा ना, बोले काक भुसुंडी भगवान के अधरा मृत है, काक भुसुंडी उठा उठा करके एक दाना को काक भुसुंडी खा रहे थे। इसलिए भगवान राम का भी बड़े सुंदर बाल्य चरित्र है, ठाकुर जी बड़े सुंदर बाल्य चरित्र किया, बड़े सुंदर उनको बाल्य चरित्र को सुना हुआ। कहो जथा जानकी विवाह विवाही, फिर उनने माता जानक की विवाह की कथा सुनाए, हम कल सुनेंगे माता जानक की शादी कैसे हुई। प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत बढ़िया प्रसंग है, हैं उनकी शादी की प्रसंग। फिर कैसे राजा तजा सो दूषण काहीं, इसलिए उन्होंने जिन्होंने राज्य छोड़कर किस कहते, इन्होंने फिर राज्य छोड़कर भगवान राम क्यों बनवास गए, उसकी कथा भी सुनाए। बोले बनवासी की नी चरित अपारा, कहो नाथ जी में रावण मारा। इसलिए भगवान कैसे बनवास में गए, कैसे रावण को उन्होंने वध किया है, इसलिए आप कृपा करके ये सारी कथा में कृपा करके सुनाने का कृपा करे। तब जब बताए, बोले हर ही अरा मा चरित सब आए, प्रेमा पुला कोल चना जल छाए, श्री रघुनाथ रूप ओरुआवा, परमानंद अमित सुख पावा। जब उन्होंने भगवान की जो प्रश्न की, प्रश्न करते जैसे कथा सुनाने से पहले क्या होता है, सारे जो कथा वक्ता होते क्या होता है, सारे उनको लीला अपने आप हृदय में प्रकट हो जाता है। जब उन्होंने प्रश्न की शंकर जी के हृदय में, जैसे टीवी में सीरियल आता है ना, टीवी में जैसे सीरियल आता है, शंकर जी के हृदय में भगवान की सारे लीला जैसे हृदय में प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया, शंकर का हृदय तो प्रेम में गदगद हो गया। बोले क्या सुंदर तुमने प्रश्न किया है, जिस प्रश्न सुनते ही भगवान की लीला चरित हृदय में आ गया। इसलिए कहते ना, श्री लोग श्री सौनगादि ऋषियों ने जब श्री सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न किया, सुत गोस्वामी क्या हुई, बोले इनकी लोम खिल उठे। बोले क्यों, बोले तुम लोगों ने जो प्रश्न किया है, ये सब के सब भगवत संबंधी प्रश्न है, जिसमें कोई विषय की चर्चा है नहीं, जिसमें केवल भगवत चर्चा है। इसलिए यहाँ पर कहते, बोले मगन ध्यान रस दंड भुग पुनिमना बाहर नकीना, रघुपति चरित महेश तब हरषित वरन न लीना। इसलिए कहते शिव जी, कहते जब उन्होंने को हृदय में
और प्रभु की लीला हृदय में प्रकाश होने लगा। शंकर जी क्या होगा, बोले मगन ध्यान रस और दंड, कहते एक दंड तक तो शंकर जी के हृदय प्रेम में गदगद हो गया। अब शंकर जी एकदम जड़बद्ध हो गए, क्योंकि प्रभु की लीलाओं की स्मरण होगा है, प्रभु की कथा बोलेंगे, इसलिए एक दंड तक तो एकदम पूरा के पूरा उसमें डूबे रहे। उसके बाद में क्या हुआ, फिर उनका मन धीरे 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 बाहर निकला, धीरे धीरे चेतनता आई। जब चेतनता आई, बोले रघुपति चरित महेश तब हरस तब हरनौ लीना। फिर तो भगवान राम की बड़े सुंदर चरित्र को शंकर जी है, शंकर जी गाए हैं। कहते बंदो बाल रूप सोई राम सब सीत सो लभ जप तजी सुनाम। यहाँ पर कह रहे हैं इन्होंने, कहते बंदो बाल रूप सोई राम, कहते भगवान की जो बाल रूप को उन्होंने वंदना किया। कोई कोई कहते बोले क्यों, यहाँ पर उन्होंने बाल रूप का क्यों वंदन किया, भगवान की तो और बहुत सारी लीला है ना, कहते उनको बाल लीला को उन्होंने वंदना क्यों किया, बोले कारण है कहाँ परात पर तत्व भगवान है, लेकिन क्या उन्होंने सारे ऐश्वर्यता को भूल करके हैं, कैसे भक्तों का प्रेम में भगवान कैसे बसीभूत हो जाते, सारे ऐश्वर्य को भूल करके भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान कैसे डूब जाते हैं, कहते ये एक कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है, बोले कारण है अब देखना बच्चों का जो स्वभाव देखना है, थोड़ी समय के लिए अगर थोड़ा डांट लगा दो ना रोने लग जाते, थोड़ी समय के लिए फिर अगर कोई चीज उनको दे दो ना झट भूल जाते। बच्चों का स्वभाव क्या है, थोड़ी समय दुख और थोड़ी समय खुश है, इसलिए बच्चों को मनाना कोई बड़ी भारी बात नहीं, थोड़ी समय के लिए दुखी फिर वो खुशी हो जाते हैं, फिर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भक्त लोग कहते हैं, इसलिए बाल चरित्र को इसलिए ध्यान कहते, बोले प्रभु तो बाल चरित्र में तो क्या है, अगर प्रभु हम तो अपराधी है, हम तो अपराधी है ही है, लेकिन बालक क्या होता है खेड़े भर में खुश हो जाते हैं, खेड़े भर में वो तृप्त हो जाते हैं, इसलिए उनको जो बाल चरित्र है प्रभु को बाल चरित्र में ध्यान करते, बाल चरित्र को उन्होंने है सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो, कहते भगवान की बाल चरित्र में जितने तरह का सिद्धि है सबके सब सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनीति जगत का जितने सिद्धि सबके सब उनकी बाल चरित्र में विद्यमान है। इसलिए कहते मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रव ओ सदा सारा था आजीरा बिहारी द्रव ओ सदा सारा था आजीरा बिहारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी। यद भगवान कैसे हैं, बोले मंगल भवन अमंगल है, भगवान का नाम भगवान की भक्ति का जितना जीवन का अमंगल है सारे अमंगल दूर हो जाता है, मंगल 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 हो जाते हैं हैं, मंगल के कहती है मंगल के धाम स्वरूप श्री भगवान, मंगल के ये धाम स्वरूप हैं। इसलिए कहते द्रबहु स्व दशरथ अजर बिहारी, कहते ऐसे जो मंगल भवन अमंगल है वो करते हैं क्या है, कहते ऐसे जो रामचंद्र मुझ पर कृपा करे, बोले क्यों, कहते जो ऐसे जो दशरथ महाराज ऐसे जो भगवान है वो करते हैं क्या, बोले दशरथ महाराज का जो आंगन में अपना गुठन पर किलकार मारते हुए वो लीला करते हैं, किलकार मारते हुए वो लीला कर रहे हैं। इसलिए कहते ऐसे जो भगवान राम है इनके चरण को मैं वंदना करता हूँ। तो उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन करते करते कह रहे हैं, भगवान हमें जितनी इंद्रियां दी हैं, कहते ये इंद्रियों का सार्थकता कैसे है, जब ये इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएं तभी ये इंद्रियों का सार्थकता, नहीं तो ये इंद्रियां हमारी बेकार है। देखो यहाँ पर कुछ प्यार है वो तो ये प्यार को जैसे भागवत में कुछ श्लोक है हैं, कहते ये आँखों का सार्थकता कैसे, नाक का सार्थकता कैसे, कान का सार्थकता कैसे, ये जीवा की सार्थकता कैसे है,
जब ये सारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में भजन में लगाए, नहीं तो सारे इंद्रिया बेकार है, बेकार है। सुतो गोस्वामी कहते यहाँ पर श्री गोस्वामी जी वो सारे प्यार गुण ने यहाँ पर है, सारे प्यार गुण ने हिंदी भाषा में उन्होंने लिखा है। हो सके तो इसको हम लोग है, तुम लोग इसको प्यार को सबके सब याद कर लेना। जीना हरी कथा सुनी नाही काना, जीना हरी कथा सुनी नाही काना, श्रवण रंध्राई भवन समाना, श्रवण रंध्राई भवन समाना, नायन सा तदरस नाही देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटो तो बरी समतोला, जे नाना मातारी गुण पद मोला, जिनी हरि भक्ति दया नाही आनी, जीवन सब समान तेई प्राणी, जो नहीं कराती राम गुण गाना, जीन सदा दूर जी असमाना। यहाँ पर सारी इंद्रियों को निंदा करते हैं, बोले क्यों, अगर ये भगवत सेवा में नहीं लगे तो इंद्रिया सारी बेकार है। श्लोक याद है किस किस को, कुछ कुछ श्लोक याद है, बोलो कौन सा श्लोक याद है? आंख का सार्थकता, हाथों का सार्थकता, सर का सार्थकता, कोई श्लोक याद है भागवत का, बताओ कौन सा? अरे बेणु गीत क्या, ये श्री नहीं, हाँ नहीं वो भी नहीं है, और वहां पर दूसरा है, हाँ ये है, ये एक श्लोक है, और कोई श्लोक है? बोले जीवा असत दार दुर्ग एव सुत नच उपगायती रोगाव ग्रथा सब करो हरस करत सुपर जिया, इस श्लोक सबके सब। इसलिए ये सुत गोस्वामी कह रहे हैं, ये इसका ये सब ट्रांसलेशन, इस श्लोक का ये ट्रांसलेशन है। कहते जिन्हें हरि कथा सुने नहीं काना, अगर ये कान पा करके अगर जिन्हें हरि कथा नहीं सुनते हैं, ये दो कान किया है, बोले श्रवण रंध्र अहि भवन सवाना, कहती दो के बोले बील है जिसमें ये जहरीले सर्प निवास करते हैं, जहरीले सर्प निवास करते हैं, बोले नयन ही संत दर्शन नहीं देखा, अगर इन्हीं आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया, कहते लोच मोर पंख कर लेखा, कहते आंख कैसे है, जैसे मोर पंख में सुंदर जैसे आंख बनी हुई, बोले भैया उसमें तो बड़े सुंदर आंख बनी हुई है, वो आंखों का क्या आंख नहीं, वो पंख है, बोले ते सिर कट्टू तुम्बुर समतुला, जे न नमई हरि कुत पद मुला, जो व्यक्ति भगवान के चरण में अपना सर को नहीं झुकाते हैं, बोले सिर है, कहते सिर पट किरीट जुष्टम अपि उत्तमांग न नमेत मुकुंदम है, कहते उत्तमांग मतलब ये सर अगर भगवान के चरण में नतमस्तक नहीं करते वो क्या है, कहते वो एक बोझ के समान है, बड़े सुंदर मुकुट पहने हुए, बड़े सुंदर पगड़ी बांधे हैं, लेकिन भगवान के चरण में सर नहीं झुकाते, वो क्या, बोले तुम बोरी समतुल, तुम्बुरी सम एक होता है ना, एक होता है क्या, लोकी, लोकी होता है, लोकी इसे गोल गोल लोकी होता है, हैं वो देखना साधु संत लोग हाथ में उसका हाथ में पकड़ कर ले जाते हैं, वो देखना कि सर जैसे होता है, हैं कहते अगर ये सर को भगवान के चरण में नहीं लगाए तो ये तुम्बुर के बराबर है। कहते जिन्नी हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित साम समान ते ही प्राणी, कहते हृदय में अगर किसी ने भगवान की भक्ति को नहीं लाए तो जीवन कैसे है, कहते ये शिव सब मरने का बराबर, मृत्यु के बराबर है। क्या श्लोक है बोलो, हाँ बोलो कौन सा श्लोक है, जीवन सब ही है, क्या बोलो श्लोक, जीवन सब भागवत अंग्रे नहीं, क्या श्लोक है, अरे बोलो श्लोक तुम लोग को याद नहीं है, इसलिए उस श्लोक में कहते हैं, अरे
किया, बोलो क्या कठिन श्लोक है। तरवह किम न जीवंती भस्राप की न ससंतुत न खादंती न मेहंती ग्राम किम ग्राम पसवरे है। तरवह किम न जीवंती, कह रहे हैं अगर केवल ये जीवन पा करके जिंदा रहना ही सब कुछ हो, क्या पेड़ जिंदा नहीं रहते? बरगद और पीपल पेड़ तो हजार हजार साल जिंदा रहते हैं। बोले भैया वो भी तो हजार हजार से जिंदा रहते हैं। बस राम की न ससंत तो एक मशीन होता है जो कमार लोग हैं वो हापुड़ कहते हैं, जिसको उड़िया में क्या कहते हैं, जिसमें प्लास्टिक होता है ना उसको दबाने पर क्या होता है हवा निकलता जाता है, हैं वो जो कमार लोग व्यवहार करते हैं। बोले भैया वो भी तो एक मशीन, वो भी तो श्वास लेता है श्वास छोड़ता है। अगर खाना अगर सर्वश्रेष्ठ होता, हाथी को देखो एक साथ में कितना आदमी को खाना खाता है, गैया को देखो दिन भर खाते रहते हैं, बकरी को देखो दिन भर खाते रहते हैं, हम कितना और खाते हैं, हैं? एक किलो दो किलो खा लेते हैं, उससे तो ज्यादा नहीं। न मेहंती, अगर स्त्री संग सब कुछ सर्वश्रेष्ठ होता, नहीं तो बच्चे जन्म देना ही सब कुछ होता। सूअर क्या बच्चा जन्म नहीं देता है, कुत्ता क्या जन्म नहीं देता, बकरी क्या जन्म नहीं देता, एक साथ में देखो एक एक दर्जन जन्म दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं अगर इस जीवन पाकर के हृदय में भगवान की भक्ति नहीं लाए तो ये जीवन कैसे है, मरने का बराबर है। जो नाही करे राम गुण गाना जी सदा दूर जी असमाना। अगर ये जुहा पाकर के भगवान का गुणगान नहीं किया, दुनिया की बात तो दिन भर बोलते रहे हैं, लेकिन मेढक जैसे टट्टर टट्टर करता है, हैं? इसलिए दिन भर दुनिया की बात तो बोलते रहे लेकिन भगवान की नाम नहीं लिया, कीर्तन नहीं किया, वो जीवा कैसे, कहते मेढक के जीवा जैसे हैं, जैसे मेढक टट्टर करता है सांप आकर उसको निगल लेता है। इसलिए कहते जिन तो नहीं कर ई राम गुण गाना जीव सदा दुर्ग कुलिस कठोर निष्ठुर सोई छाती सुनी हरि चरित न जो हरसती। कहते अगर हृदय में भगवान की कथा सुन करके हृदय आनंद नहीं हुआ, हृदय में आनंद नहीं हुआ, कहते वो हृदय कैसे है, कहते हृदय कैसे है, बोले जैसे कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, कहते हृदय वज्र के बराबर है, निष्ठुर हृदय है। इसलिए राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुख दानी सम समाज सुर लोक सब को न सुनई अस जानी। कहते राम कथा क्या है, भगवान की राम की कथा क्या है, कहते राम की कथा ये सुर धेनु, सुर धेनु मतलब कहते ये काम धेनु, जैसे काम धेनु क्या करता है, जो माँ को काम धेनु वही दे देता है, कहते उसी तरह भगवान की कथा ये काम धेनु के बराबर है। ये सारे सुखों को सब सुख दानी, जीवन का सारे सुख को देने वाले ये भगवान की कथा है। इसलिए कहते सत समाज सुर लोक, कथा को कौन सुनते, बोले साधु लोग सुनते, सत समाज सुनते हैं, देवता लोग भी ये कथा को सुनते हैं। इसलिए जगत में से कौन सा श्रेष्ठ व्यक्ति जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं। इसलिए हे पार्वती ये जीवन पाने का तभी सार्थकता जब ये सारी इंद्रिय हम भगवान की कथा में सेवा में लगाएंगे तभी सार्थकता, नहीं तो है, नहीं तो ये जीवन हमारी बेकार जीवन है। इसलिए शंकर जी पार्वती को उन्होंने ये सारी कथा पार्वती को उन्होंने सुनाए, तो उन्होंने सुनाए जगत में भगवान आते हैं क्यों, है जगत में भगवान क्यों आते हैं, तो उन्होंने इसकी बात उन्होंने सुनाई। चली आश्रय हुए जो भवन करही अनिति जाहि नहीं बरनी सिदही विप्र दे एनो धरनी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरती कृपा निधि सजन पीरा
अरति कृपा निधि साजन पीरा। इसलिए भगवान कब कब इस जगत में जन्म ग्रहण करते हैं, कब कब आते हैं, बोले तभी तभी भगवान आते हैं, बोले जब तब प्रभु धरत, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब इसी जगत में धर्म की हानि और जगत में असुरों का उत्पात होने लगता है, बोले प्रभु क्या कर, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तक प्रभु विविध शरीर को धारण करते हुए हरति कृपा निधि सजन पीरा है। भगवान संतों का जितने पीरा पीड़ाओं को भगवान हरण करते हैं। इसलिए भगवान जगत में क्यों आए, यहाँ पर भगवान आने का 6 कारण बताया। कितना कारण बताया, क्या क्या है, बोलो क्या क्या कारण है बता। पहले मैंने बताया ना, 2-3 कारण बताया भगवान। यहाँ पर गोस्वामी 6 कारण बताए भगवान इसी जगत में क्यों आए, बताओ क्या। हाँ, ये कारण है, और क्या कारण है, मैंने बताया था ना पहले, नारद मुनि के और एक नारद मुनि है, और क्या है, हाँ जय विजय है। कितना कारण हो गया, तीन कारण हो गया। कहती है 3 कारण है, इसलिए कल हम और 3 कारण सुनेंगे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर और क्या 3 कारण उन्होंने बताए भगवान जगत में क्यों आते हैं। इसलिए रामायण कब है भगवान राम का, 2 तारीख को। आज कितना तारीख हो गया, 31 हो गया, और एक दिन बीच में बाकी है। हाँ, एक दिन बाकी है, ठीक है। और केवल 2 दिन राम कथा सुनेंगे, ठीक है। कल 2 दिन राम कथा सुन करके फिर हम लोग फिर प्रभु जी बोल रहे थे चैतन्य भागवत कथा सुनने के लिए, ठीक है। फिर चैतन्य भागवत हम पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनेंगे, ठीक है। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री सियावर राम चंद्र की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय जसोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन जय जसोदा नंदन, जय जसोदा जीवन जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज जन रंजन जय राम नटवन सारी, जय कुंज बिहारी, जय राम अनुपम जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय दीपन कर कर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय
भोकन आई, चरित्र उठी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे बोला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरांग जय निताई गौरांग, निताई 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 गौरांग, निताई गौरांग जय निताई गौरांग, निताई गौरांग जय निताई गौरांग। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोला बोला हरे राम 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 हरे हरे, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 गौर नित्यानंद बोल, हरि बोल हरि गौर गदागर बोल, हरि बोल हरि बोल गौर प्रिया द्वैत बोल, हरि बोल हरि बोल गौर त्रिनिवास बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे राधे जय जय राधे, राधे जय जय राधे, जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब
श्री दर्गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि।